नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल टेस्टी लर्निंग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्रवर्तनीयता के आधार पे संविदा का वर्गीकरण देखा था। लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी उसमें हम लोगों ने संविदा का जो वर्गीकरण था प्रवर्तनीयता के आधार पे, उसमें जितने टाइप्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो हमने देखा था। बट दिस अगली जो ये वीडियो है हमारी, इस वीडियो में हम लोग संविदा का जो वर्गीकरण है फॉर्मेशन के आधार पे, जो उत्पत्ति के आधार पे संविदा का वर्गीकरण है, उसके हिसाब से जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना कोई देर करते हुए आइए शुरू करते हैं। सो नंबर फर्स्ट, संविदा का प्रकार। ये संविदा का प्रकार कैसा है? उत्पत्ति के आधार पे, फॉर्मेशन के आधार पे संविदा का प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संविदाएं चार प्रकार की होती हैं। पहली होती है अभिव्यक्ति संविदा, जिसको हम लोग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरी होती है विवक्षित संविदा, जिसको हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तीसरी होती है उपलक्षित या टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और चौथी होती है संविदा कल्प या प्रलक्षित संविदा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आइए हम लोग वन बाई वन जो है समझने का प्रयास करते हैं कि ये चारों प्रकार की संविदाएँ होती कैसी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभिव्यक्त या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसी संविदा जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया गया हो, बहुत ज़्यादा फैलाया गया हो। इट मीन्स ऐसी संविदा जिसमें प्रस्ताव व वचन की क्रियाएँ लिखित या मौखिक हों, प्रस्ताव या वचन की क्रियाएँ लिखित या मौखिक हों। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मतलब प्रस्ताव या वचन अगर हम लोग को ना समझ में आए तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसी संविदा जिसमें संविदा की शर्तें लिखित या मौखिक हों, मतलब जो भी संविदा की शर्तें हैं वो लिखित हो या मौखिक हो, ऐसी सारी संविदाएं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आती हैं या अभिव्यक्त संविदा के अंतर्गत आती हैं। अगर उदाहरण देखना चाहें हम लोग, तो हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि भाई अगर दो मित्र हैं सुरेश और महेश, तो सुरेश ने सोचा कि अपनी जो कार है या अपनी जो बाइक है, सॉरी बाइक है, उसको हम लोग क्या मैं क्या करता हूँ, मैं बेचता हूँ। और बेचता किसको? महेश को, मेरा जो फ्रेंड है महेश को बेचता हूँ। तो उसने महेश के सामने प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा कि भैया एक काम करना है कि आप ये जो हमारी बाइक है इसका वैल्यू है 50,000 रुपये, अब देख लो अगर आपको समझ में आती है तो 50,000 रुपये दे के ये बाइक आप ले सकते हो। अब महेश ने देखा और महेश को वो बाइक समझ में आई, क्योंकि महेश को ज़रूरत थी बाइक की। उसने कहा ओके कोई इशू नहीं, आप 50,000 रुपये ले लो और बाइक मुझे दे दो। इट मीन्स महेश ने वर्बली कह दिया कि भैया 50,000 ले लो या बाइक मुझे दे दो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि महेश बोले कि भैया रिटर्न में लिख के दे कि भैया ठीक है ये बाइक जो है आप मुझे दे रहे हो और इसके बदले में मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ। तो ऐसी कोई भी घटना होती है, वर्बली ओके करता है या लिखित ओके करता है, तो ये सारी घटनाएँ क्या होंगी? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के श्रेणी में आएंगी, जिसको हम लोग अभिव्यक्त संविदा कहते हैं। ऐसी दूसरी जो हमारी संविदा है, आइए हम लोग देखते हैं दूसरी संविदा कौन सी है हमारी, विवक्षित संविदा या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एकदम बिल्कुल क्लियर है कि भाई कोई भी ऐसी संविदा हो जिसमें प्रस्ताव और वचन की जो क्रियाएं हों वो लिखित ना हो और मौखिक ना हो, मतलब लिखित और मौखिक दोनों स्थिति ना हो उसमें। अब आप सोचेंगे कि भैया ऐसी कौन सी संविदा होती है जो लिखित भी नहीं होती है, मौखिक भी नहीं होती है? तो उसमें प्रस्ताव भी होता है और उसका जो है स्वीकृति भी होती है, प्रस्ताव भी होता है और उसकी स्वीकृति भी होती है, लेकिन वो मूक होती है। जैसे जैसे आइसक्रीम बेचने वाला है, अब आप आइसक्रीम बेचने वाले ठेले के पास गए और आपने ऐसे इशारे में किया, अब मान लिया वो आपको जानता है, तो उसने आपकी पसंदीदा आइसक्रीम निकाल के आपको दी, अब आपने ले लिया। अब यहाँ पे आपने ना कुछ पूछा ना कुछ कहा और ना ही अगले ने कुछ कहा, तो इस टाइप की संविदा वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की संविदा में संविदा को लिखित या मौखिक होना अनिवार्य नहीं होता, मतलब लिखित या मौखिक होना अनिवार्य नहीं होता। इस प्रकार की संविदा की स्थिति में पक्षकारों के आचरण, करार की परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पक्षकारों का आशय संविदा निर्माण का है या नहीं। अब अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हम लोग ऐसे ले सकते हैं कि भैया अगर कोई बस स्टैंड पे बस खड़ी है, बस स्टैंड पे बस खड़ी है
और आप क्या करें भैया, आप बिना पूछे जाके बस में बैठ जाएं। तो जब आप बिना पूछे बस में बैठ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि भैया आपको ये जानकारी थी ये बस कहाँ से कहाँ जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, इस बस में अगर आप बैठोगे तो इसका भाड़ा, इसका किराया आपको देना पड़ेगा। तो ये क्लियर है कि भाई कहीं मान लिया जांच होती है, कहीं भी जांच होती है बस की, तो आपके पास वैध जो टिकट होता है वो होना चाहिए। ऐसा मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना कि आप बस खड़ी है, आप जाके बैठ गए, तो ये मान लिया गया भैया कि बस कहाँ जाएगी ये आपको मालूम है, क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है जानना इसको। एक और बहुत प्यारा सा उदाहरण है जो हर जगह देखने को मिलता है कि भैया मान लिया आप किसी ट्रेन से नीचे उतरे, तो जैसे ही आप ट्रेन से नीचे उतरे तो आपने इधर उधर देखा, एक कुली सामने खड़ा था, उसने आपको देखा और फटाक से उसने अपना आपका सामान उठाया और उठा करके टैक्सी स्टैंड की तरफ चल दिया। अब आपने क्या किया, आप भी बिना बोले जो है उसके पीछे आप आराम से चले गए, टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। उसने टैक्सी स्टैंड पे आपका सामान रखा, अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब आपने कुछ नहीं बोला तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वहाँ पे प्रस्ताव हो गया, उसने उठा लिया सामान, वो उसका प्रस्ताव हो गया और आपने बिना कुछ बोले उसके पीछे आप चल दिए, आपकी स्वीकृति हो गई। यहाँ पे कोई ना लिखित बात हुई ना मौखिक बात हुई। अब यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, तो उसको उसका जो भी पैसा है वो आपको उसको देना पड़ेगा। तो ये जो टाइप होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसको हम लोग इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं या विवक्षित संविदा बोलते हैं। अगली जो संविदा है, उपलक्षित या टैसिट संविदा। ये जो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जो है जो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसी का एक पार्ट होता है, उसी का पार्ट, मिलता जुलता पार्ट होता है। अभी आप समझेंगे तो समझ में आएगा कैसे। ऐसी संविदा जो पक्षकारों के काम करने के तरीके से बनता है, समझने वाली बात है, काम करने के तरीके से बनता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी, थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करते हैं। जिसमें संविदा का निर्धारण पक्षकारों के काम करने के तरीके से होता है, जैसे अगर आप बस पे सवार होते तो बस का काम है चलना है, तो इस टाइप का कुछ कॉन्ट्रैक्ट। और थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इसको, उदाहरण अगर हम लोग लेकर के देखें तो, कि भैया यदि हम एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो एटीएम का काम करने का सिस्टम क्या है कि भैया आप वहाँ जाएंगे, अपना कार्ड डालेंगे, स्वाइप करेंगे, तो आपका जो भी पैसा अमाउंट उसमें डालेंगे उतना पैसा आपको दे देगा वो। अब ये एटीएम का काम करने का तरीका, वो आपको पैसा ऐसे दे देगा। या फिर यदि हम किसी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएं तो उनका सिस्टम है, आप क्लासरूम में बैठेंगे बच्चों के साथ, टीचर आएंगे अपना पढ़ाएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। यदि किसी एयरपोर्ट पे आप जाइए तो एयरपोर्ट पे जाइए तो जो सिक्योरिटी चेक इन होता है वो उनका सिस्टम है, वो आपको करवाना ही पड़ेगा, बिना करवाए काम नहीं चलेगा। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों में जो मैंने उदाहरण दिया, इन सारे लोगों का जो काम करने का तरीका है, अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं उसको उस वो काम करवाते हैं तो दैट मीन्स हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये कैसे काम करेंगे एंड हमें ये एक्सेप्ट है, स्वीकृति है। उनका प्रस्ताव जो है वो बिना कोई लिखित नहीं है, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, बट उनका सिस्टम है वो, सो हम लोग समझ रहे हैं उनका प्रस्ताव क्या है एंड हमारी स्वीकृति है, इसलिए हम लोग वो काम करवा रहे हैं। तो इसको टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविदा अधिनियम में, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है संविदा कल्प, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हम लोग प्रलक्षित संविदा या कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब कहीं भी मतलब देखोगे एग्जामिनेशंस में या कहीं भी, तो आपको संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही मिलेगा, बट आपको ये जानना चाहिए कि इसको हम लोग प्रलक्षित, मतलब इसको जो है विधि में प्रलक्षित संविदा भी कहा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब ये एक ऐसी संविदा होती है, समझने वाली बात है, ये एक ऐसी संविदा होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है पक्षकार आपस में नहीं करते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट आपस में पक्षकार आपस में नहीं करते, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विधि द्वारा निर्धारित होता है। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं, ऐसी संविदा जो विधि द्वारा पक्षकारों पर थोपी जाती है, थोड़ा सा ये ऑड सा लैंग्वेज है बट एक्चुअली ये ट्रुथ है, सत्यता है, कि ऐसी संविदा जो पक्षकारों पर विधि द्वारा थोपी जाती है। और थोड़ा सा हम लोग एक्सपर्ट समझते हैं, वास्तव में इस प्रकार की संविदा में पक्षकारों के बीच संविदा होती नहीं है, अपितु संविदा विधि द्वारा मान ली जाती है। अब थोड़ा सा ये एक मतलब बहुत ही मतलब कन्फ्यूजन टाइप का हो गया, तो इसको हम लोग उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि मान लिया कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई सामान गिर गया और आपको मिल जाता है, किसी व्यक्ति का कोई सामान गिरा आपको मिला
आपने उठाया उसको और अपनी जो है अपने पास उसको आप अपनी अभिरक्षा में रख लिया, अपनी अभिरक्षा में उसको रख लिया। अब रख लेने के बाद आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी मिलती बनती है, क्लियर कट जिम्मेदारी बनती है ये कि वो जो सामान है उसकी असली मालिक तक आप पहुंचाएं, अब उसको ढूंढें और ढूंढ के उसको पहुंचाएं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अब वो सामान जिसका गिरा कौन है कोई पता नहीं, उससे आप मिले हो कि नहीं मिले हो ये भी कोई पता नहीं है, उसका आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है नहीं कि भैया मेरा सामान गिरेगा आप पाओगे तो ले आके मेरे घर देना, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं। बट यहाँ पे क्या आ गया, बीच में लॉ आ गया। विधि क्या कहती है कि भैया हमारे यहाँ का सिस्टम है कि अगर कोई आदमी सामान पाता है तो वो ले जा करके जिसका होता है उसको ढूंढ के देता है, तो ये संविदा उसमें आ गया। तो इस टाइप की जो संविदा होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग अलग से मतलब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और हम लोग आगे उसके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और विस्तृत जानेंगे, क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो इसके लिए हम लोग और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए उसकी अलग एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप उसको देख करके समझने का प्रयास करिएगा। सो इसी के साथ आप सारे लोगों को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोगों की जो इच्छाएँ हैं पूरी हो, आप लोग बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।